بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد के दर्स के अंदर पिछले दर्स में हम लोगों ने जो तालीलात के जो कवायद हैं जो कि 26 कवायद हैं जिनको मौतल की बहस में साहिब किताब ने सबसे शुरू में जिक्र किया था और फिर वही सारे कवायद आगे जब हम पढ़ेंगे अब यहाँ पर हमने कल मुकम्मल कर लिए थे 26 कवायद को और उसके बाद अब आगे जो बातें आएंगी तो तकरीबन वही सारे कवायद की रोशनी में तालील शुदा कलमात हमारे सामने मिलेंगे जगह जगह मिलेंगे। तो वो कवायद एक बार मैं फिर कर रहा हूँ कि वो बहुत ही अहम हैं, बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर उनको कोई नहीं समझा होगा तो फिर आगे जो है नहीं समझ पाएगा किताब को, क्योंकि आगे जो है इन 26 कवायद के बाद आगे जो बहसें आ रही हैं ये सारी की सारी टोटल उसी पर डिपेंड करती हैं। तो उसको समझना है, उसको याद करना है और बिल्कुल एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, एकदम कायदा नंबर के साथ एकदम याद हो तो और ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद जो है यहाँ पर ये दूसरी किस्म यानी कि मौतल की दूसरी किस्म यहाँ पर ये जिक्र कर रहे हैं। यहाँ से एक नई बहस शुरू हो रही है। मौतल के जो कवायद थे वो बहस क्या है ख़त्म हो गई, कम्प्लीट हो चुकी। यहाँ पर दूसरी किस्म ये इसमें कि क्या करेंगे, ये जो है फिर फ़ैल मौतल की जो अलग अलग किस्में हैं हर किस्म की यहाँ पर क्या है ये गर्दान करेंगे, यहाँ उसकी क्या है गर्दान जिक्र करेंगे और उसकी तसारीफ जिक्र करेंगे। और इन्होंने इसमें जो शुरुआत की है, और ये जो गर्दान कौन सी गर्दान है इसको हम कहते हैं सरफे सगीर, एक और गर्दान जो होती है उसको सरफे कबीर कहते हैं। जैसे कि अगर हम जरबा की या किस्म करेंगे जलसा की गर्दान करें तो जलसा जलसा जलसु जलसत जलसता जलसना जलसता जलस्तुमा जलस्तुम जलस्ती जलस्तुमा जलस्तुन्ना जलस्तु जलस्ना, ये जलसा की गर्दान है फेले माजी मारूफ की। तो ये जो गर्दान अभी मैंने बताई है ये सरफे कबीर है यानी कि बड़ी गर्दान, जिसका अगर हम माना था बड़ी गर्दान ये है। बड़ी गर्दान ये है कि इसमें जितने सेगे हैं सारे सेगों को यानी कि 14 के 14 सेगों को ये सभी जो जलसा की गर्दान मैंने सुनाई है उसके अंदर क्या है सब मजकूर हैं। ये जो एक नए शक्ल की गर्दान यहाँ पर ये जिक्र करेंगे तो ये गर्दान जो है इसको जो इसका जो नाम है इसका नाम है सरफे सगीर और वो वाली गर्दान है उसका नाम है सरफे कबीर। तो दोनों का माना क्या है, सगीर का क्या माना है? सगीर का माना ये है कि हर गर्दान से उसका एक लफ्ज शुरू वाला लिया जाएगा बस, यानी कि 14 सेगे हैं फिले माजी मारूफ के, तो उसमें से जो पहला कलिमा है वही यहाँ पर लिया जाएगा, बाकी 13 कलमे नहीं जिक्र किए जाएंगे। जैसे जरबा है, जैसे कि जलसा है, मिसाल के तौर पर जलसा की अगर सरफे सगीर की गर्दान करनी हो तो यहाँ पर क्या किया गया है कि यहाँ पर क्या कि फिले माजी से सिर्फ और सिर्फ जलसा को जिक्र किया जाएगा उसमें जलसा, और उसके बाद जो और सेगे हैं यानी कि 13 सेगे जो और बचते हैं जलसा के उनका जिक्र नहीं किया जाएगा। ऐसे ही फिले मुजारे से पहला सेगा यजलिसो जिक्र किया जाएगा, ऐसे ही इसमें फाइल से पहला सेगा जालिसुन जो है जिक्र किया जाएगा। तो ऐसे ही तमाम जो गर्दान हैं तो हर गर्दान में से शुरू का एक एक कलमा यहाँ पर क्या है जिक्र करके और इस तरह से क्या है इतनी बड़ी क्या है गर्दान इस तरह से बनती है। तो ये गर्दान जो है इसको इसलिए इसको सरफे सगीर कहते हैं क्योंकि गर्दान का एक जुज यहाँ पर क्या है मौजूद होता है, हर गर्दान से पहला कलमा लेकर के जो है यहाँ पर जिक्र किया गया है और इस तरह से एक पूरी गर्दान यहाँ पर क्या है बनती है। तो इसीलिए इसको सरफे सगीर कहते हैं, लेकिन छोटी गर्दान क्योंकि गर्दान का एक जुज यहाँ पर लिया गया है। ये मफहूम था सरफे कबीर और सरफे सगीर का। तो ये जो गर्दान है ये सरफे सगीर है और यहाँ पर जो है ये जो दूसरी किस्म यानी कि कह रहे हैं कि दूसरी किस्म ये जो गर्दाने होंगे तसारीफ की ये किस्म है तसारीफ का, इसमें मतलब वो होगा कि फेले मोतल की अलग अलग जो किस्में हैं और जो अलग अलग जो बाब से आते हैं तो उन सब का क्या है यहाँ पर जिक्र होगा।
तो सबसे पहली गर्दान इन्होंने फेल मोतल की, चूंकि सबसे पहली किस्म कौन सी है, मिसाल, तो यहाँ इन्होंने मिसाल की गर्दान से शुरू की है। और मिसाल जिन जिन अबवाब से आता है कि मिसाल किसको कहते हैं, फिर एक बार यहाँ समझ पड़ेगी, मिसाल मिसाल उस फेल को कहते हैं जिसके फा कलमा में हर्फ इल्लत हो, जिसको हम मुअतल बिल्फा के भी कह सकते हैं, या मुअतल फा या मुअतल बिल्फा या मिसाल, तो इस तरह के ये जो है इसको कहते हैं मिसाल। और मिसाल यानी कि मिसाल का माने क्या होता है, जैसा के माने होता है। तो चूंकि ये जो मुअतल बिल्फा है ये जैसे एक जो कलिमा जो सही होता है जैसे कि जलसा, इसमें कोई तालील नहीं होती है, तो ऐसे ही क्या है मुअतल बिल्फा जो होता है उसमें अक्सर क्या है, अक्सर टाइम पर उसमें क्या है कोई तालील नहीं होती है, तो इसलिए क्या है उसको मिसाल कहते हैं ना कि ये सही के मिसाल है या सही के जैसे है। तो यहाँ पर जो है अगर हम इसकी गर्दान पर आते हैं आप जो है मिसाल की गर्दान में, और यहाँ पर इन्होंने मिसाल जो शुरू किया है तो मिसाल वावी जराबा या जरब, मिसाल की भी दो किस्में आती हैं, या तो क्या है मिसाल या तो वावी होगा यानी कि फाकलमा में वाव हो या ये कि फाकलमा में या हो, दोनों सूरतें हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो मिसाल यहाँ पर इन्होंने जिक्र किया है ये मिसाल वावी का यहाँ पर तस्करा किया है, और मिसाल या की भी मिसाल आती है जैसे यसरा यसर से है, वहाँ पर शुरू में या है तो वो क्या है मिसाल याई है। यहाँ पर मिसाल वावी की गर्दान कर रहे हैं, और मिसाल वावी भी जो होता है वो कई अबवाब से आता है, उनमें से जो पहला बाब इन्होंने जिक्र किया है वो जरबा यजरिबो से। तो बाब जरबा यजरिबो से कोई कलमा जो मिसाल मतलब जो मिसाल है ना कि जिसके फा कलमा में हर्फ इल्लत है, और वो हर्फ इल्लत कौन सा है, वो हर्फ इल्लत वाव का है, तो उसकी गर्दान कैसे होगी सरफ सगीर की, यहाँ पर ये जिक्र कर रहे हैं। तो उसकी मिसाल क्या है, जैसे कि वादा, वादा जो है एक फेल है, फेल मोतल है, और इसका जो फा कलमा है वाव है, तो ये मिसाल हो गया। और चूंकि मिसाल फा कलमा जो है वाव है, इसीलिए इसको कहेंगे मोतल या मिसाल वावी, मिसाल वावी इसको कहा जाएगा। मिसाल इसके अलवादो वल इदतो, ये मसल इन्होंने जिक्र किया है जिसका माना होता है वादा करना, वादा या इदो। अब जो है ये सरफ़ सगीर की गर्दान है, इसको याद करना जरूरी है, ये गर्दान पूरी की पूरी, और मुझे लगता है कि इससे पहले सरफ की जो इब्तदाई किताबें हैं वहां पर ये बात आई होगी सरफ़ सगीर की गर्दान, मतलब इस तरह से याद किए होंगे, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसको जो है याद करने में। तो ये सबसे पहले क्या इसने क्या करना है कि इस गर्दान को याद करना है, और इसके बाद फिर ये जो गर्दान है वादा से जो सरफ़ सगीर की गर्दान है, इसमें अगर हम जब पढ़ेंगे अभी तो देखेंगे कि अलग अलग जगह पर क्या है, अलग अलग फवाइद के एतबार से क्या है, कलमे क्या है, कलमों में या कलिमात में तालील हुई है, कलिमात तालील शुदा है। तो इन्हें से हम शुरू करते हैं, सबसे पहले कहते हैं वादा, पहले मैं गर्दान पढ़ देता हूँ जो है इसके बार पूरी जो है, कह रहे कि वादा यईदु वादन वईदतन फहुवा वाईदुन ववईदा युअदु वादन वईदतन फहुवा मौउदुन अल-अम्रु मिन्हु इद والنهي عنه لا تعد الظرف منه موعد والآلة منه ميعد وميعدة وميعاد وتثنيتهما موعدان وميعدان والجمع منهما مواعد ومواعيد أفعل التفضيل منه أوعد والمؤنث منه وعدا وتثنيتهما أوعدان ووعديان والجمع منهما أوعدون وأباعد وبعد وبعديات. ये वादा फेल की सरफे सगीर की गर्दान है, जिसको एक बार मैं फिर कह रहा हूँ कि गर्दान याद होना चाहिए, इम्तिहान में ऐसे आएगा गर्दान लिखने के लिए कि इससे जो है वादा से सरफे सगीर की गर्दान लिखो, तो इस तरह से इसने कहना है कि इस गर्दान को सबसे पहले तो याद करना है। इसके बाद अब आते हैं कि इसमें जो जो हमने पीछे जो कवायद पढ़े हैं 26 कवायद, उन कवायद की रोशनी में जब इस गर्दान के अंदर वारिस कलिमात पर हम नजर डालेंगे तो हमें क्या है तालील तालीला, वही जो तालीलात हमने कवायद पढ़े हैं उन्हीं की तफ्तीक यहाँ पर हमें नजर आएगी। सबसे पहले क्या है वादा,
वादा ये फेल है, मिसाल वावी है, वादा फेल माजी है, ये माजी मारूफ, इसके अंदर कोई तालील नहीं है, ये कलमा अपने असल पर आया हुआ है। जब आगे बढ़ते हैं, अब जो है यहाँ पर यह जिसने बताया था कि वादा फेल माजी है, वादा से जो है वादा वादा वादो वादत, ये पूरी गर्दान है इसकी, तो ये गर्दान सरफ कबीर की है, लेकिन वादा जो फेल माजी है इसमें से सिर्फ इन्होंने पहला कलमा वादा को यहाँ पर क्या है, सिर्फ जिक्र कर लिया है, बस यही काफी है। इसके बाद नंबर आएगा फेल मुजारे का, तो फेल मुजारे से भी जो पहला कलमा है वाहिद मुज़क्कर गायब का, उसी को यहाँ पर क्या है, ये क्या है, जिक्र कर देंगे, बस एक सेगा जिक्र करेंगे, बस उसके बाद बाकी सेगे नहीं जिक्र करेंगे तेरा। तो यहाँ पर जो दूसरा कलमा है या ईदो वादा या ईदो, तो या ईदो में यहाँ पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर ये कलमा जो है मुअल्लल मिलता है, हमें मुअल्लल मिलेगा, इसमें तालील हुई है। अब जब पूछूंगा फिर मैं तालील, असल में ये या जब पूछूंगा फिर तालील इसमें कैसे हुई है, किस कादे से तालील हुई है, तो फिर जाना पड़ेगा पलट करके, सफात पलटने पड़ेंगे पीछे कि यहाँ पर तालील किस कादे से हुई है, इसकी असल क्या है, क्योंकि ये बाबे जरबा से यहाँ पर लिखा है जरबा या जरीबो, तो ये जब फिल्म मुजारे है और वाहिद मुजक्कर गायब का सेगा है, तो जरबा से क्या है, वाहिद मुजक्कर का गायब का सेगा क्या आता है, यह जरीबो आता है, यह जरीबो, तो यह जरीबो के वजन पर इसको होना चाहिए, ये तो यह जरीबो के वजन पर है नहीं, यह ईदो जो है यह जरीबो के वजन पर है नहीं, हालांकि दोनों क्या है वही है, ये भी फिल मुजारे है, जरबा से फिल मुजारे है, वाहिद मुजक्कर गायब का सेगा है, और ये भी क्या है बारे जरबा से है, वाहिद मुजक्कर गायब का सेगा है, तो यहां पर है यज़रिबो, यहां पर क्या है यह ईदो, दोनों में नहीं, तो बाकी क्या है तालील में हुई है, इसकी असल क्या है, तो इसकी असल है यौ ईदो, यौ ईदो, अब बनेगा यज़रिबो के वजन पर, तो यहां पर हो गया यौ ईदो। अच्छा, तो फिर इसमें क्या है यईदो कैसे बना है, ये इसके लिए हमें फिर वही जाना पड़ेगा पहला नंबर कायदा, जो कायदा नंबर जो पहला नंबर कायदा जो तालीलात की वजह से हमने पढ़ा है वही कायदा यहाँ पर फिट होगा। पहला कायदा क्या कहता है, पहला कायदा ये कहता है कि अगर कोई वाव अलामत मुजारे मफतूहा और कसरा के दरमियान वाक़ हो तो उस वाव को हम हज कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है यईदो में, असल में यईदो है, यहाँ पर क्या है एक वाव आया हुआ है जो कि अलामत मुजारे मफतूहा और कसरा के दरमियान वाक़ है, इसलिए इस वाव को हज़फ़ कर दिया गया है। तो इस यईदो में क्या है, यहाँ पर कौन सी कायदा फिट आया, कायदा नंबर एक, ये बात हो गई। उसके बाद है मजर, अब जिसके बाद मजर का जिक्र आएगा, मजर यहाँ पर जिक्र करेंगे वादन, तो वादा यईदो वादन, वादन ये बिल्कुल अपने असल पर है, इसमें कोई तालील नहीं हुई है। लेकिन जब हम अगला जो दूसरा मसर है, ये जो है दूसरा और जो मसर इसका जिक्र है एक और वईदतन, तो वादन का जो है मसर, ये वादा या ईदो का मसर वादन भी आता है, ईदतन भी आता है, तो ईदतन जो है यहाँ पर जो है इसमें तालील हुई है। कैसे तालील हुई है, इसको हमें कौन से कायदे में जाना पड़ेगा, फिर पीछे सारिक में पढ़ सफा फल पढ़ के पीछे देखना पड़ेंगे। यहाँ पर है कायदा नंबर दो, किताब में जो दिया हुआ है कि जो मसर सालुन के वजन पर हो और उसके फा कलमा में वाव हो, ध्यान से कायदा नंबर दो, जो मजदर सालुन के वजन पर हो और उसके फा कलमा में वाव हो तो वो गिर जाता है और ऐन कलमा कसरा पा जाता है। बस ये कायदा लंबा है, कायदे को पूरे फिर से जो है चूंकि ये कायदा पढ़ चुके हो, डिटेल से इसको पढ़ाया जा चुका है, इसलिए इसमें ज्यादा तफसील की जरूरत नहीं है, बस इशारा ही काफी है। तो यहाँ पर जो ये जो है जो एदतन जो वहां पर आया हुआ है, तो उसके अंदर दरहकीकत यही कायदा नंबर दो क्या है यहाँ पर फिट हुआ है, या कायदा नंबर दो वहां पर क्या है लागू हुआ है कि जो मसदर फालून के वजन पर हो और उसके फा कलमा में वाव हो तो वो गिर जाता है और ऐन कलमा कसरा पा जाता है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है वादुन, फालून के वजन पर है वादा यईदो वादुन, क्योंकि ये नस है, हालत नस में है, उसे वादन पढ़ा गया, अगर इसको रफा पढ़ेंगे तो हो जाएगा वादुन। तो ये फालुन के वजन पर है, इसके फा कलमा में वाव भी है, तो क्या किया जाएगा इस वाव को गिरा दिया जाएगा और आखिर में ता को बढ़ा दिया जाएगा, जैसे कि बताया गया है कायदे में, फिर एक बार आते हैं कायदे पर जो है। उसके फा कलमा में वाव हो तो वो गिर जाता है और ऐन कलमा कसरा पा जाता है, मगर मकबूल में कोई फर्क नहीं, और ताए एवज आखिर में बढ़ा देते हैं, ये बात जो अभी मैंने बताई। तो क्या कहते हैं कि वाव को गिराने के बाद
ताए एवज, यानी कि उस वाव के बदले में एक और हर्फ का इजाफा कर देते हैं, कहां पर? आखिर में। तो यहां कह रहे कि और ताए एवज आखिर में बढ़ा देते हैं, और साथ में एक चीज और बताई कि ऐन कलमा कसरा पा जाता है, और बाकी डिटेल है उसको पढ़ो जहां वहां पर जो है। तो यहां पर जो है वादन वईदतन, यहां पर जो है वादन जो है वादन, असल में वादन ऐदतन जो है ये क्या है, मुअल्लल शुदा जो है शक्ल है किसकी, वादन की। तो वादन जो है यहाँ पर ये फिर एक बार गया, यहाँ पर एक मस्दर है जो कि फालून के वजन पर है, उसके फा कलमा में वाव है। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि इस वाव को गिरा दिया गया है, ऐन कलमा को कसरा दे दिया गया है, और इस वाव के बदले में इसके आखिर में क्या है, ता का इजाफा कर दिया गया है, जिसको ताए एवज कहते हैं। तो इस तरह से बन करके आ गया एदतुन। तो यहाँ पर क्या है, दो कायदे में जानून फिट हो गए, यहाँ पर पहले एदों में पहला का नंबर कायदा फिट हुआ, और उसके बाद क्या है एदतन में दूसरा नंबर कायदा फिट हुआ जी, एदतन में दूसरा नंबर कायदा फिट हुआ है। इसके बाद आगे जो बढ़ते हैं, इसमें तोहफा हुआ वाइदुन, वाइदुन इसमें फाइल है वादा से, और यहाँ पर जो है कोई तालील इसमें नहीं हुई है, ये अपने असल पर है। उसके बाद फिर जब हम अब फिर आते हैं माजी क्या मजहूल क्या आएगा, वो एदा, वो एदा, यहाँ पर जो है वो एदा जो लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो एदा, वो एदा यू अदो, यहाँ पर अपने असल पर ये लिखा हुआ है, यानी कि वो एदा जो अपने असल के एतबार से है, और यू अदो भी असल के एतबार से, वो आदम यहाँ भी असल के एतबार से, एदतन ये जैसे पहला वाला है ऐसे यहाँ भी है, सेम वही चीज यहाँ है। वो एदा है, बस यहाँ पर एक चीज और जायज है, वाजिब नहीं जायज है, वो ये है कि वाव मज़मूम अगर कलमे के शुरू में आता है तो जायज होता है कि उसको हम हमजा पढ़ें, हमें हमजा, तो इसको जो है वो एदा को हमजा के साथ वो एदा भी पढ़ सकते हैं, वाव की जगह पर हमजा भी हम लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ओ एदा, वो एदा से क्या हो जाएगा वो एदा। कायदा नंबर कौन सा है ये, फिर जाएंगे पीछे जी, कायदा नंबर 5, वाव मजमूम और मकसूर शुरू में और वाव मजमूम दरमियान जायज है कि हमजा हो जाए, जैसे वजूहन, वजूहन दर हकीकत क्या है वजूहन है, यहाँ पर वाव है शुरू में जो कि मजमूम है, उस वाव को हम हमजा से पढ़ बदलना चाहें तो हमारे लिए जायज होता है, तो वजूहन को हम वजूहन को यानी कि वाव के साथ भी पढ़ सकते हैं, शुरू में वाव ला करके और उस वाव की जगह पर हमजा भी रख करके हम पढ़ सकते हैं, वाव मजमूम और वाव और मकसूर शुरू में और वाव मजमूम दरमियान जायज है कि हमजा हो जाए। कायदे को फिर से ध्यान से पढ़ें, ये सारे जो कवायद है वही सारे कवायद रिपीट होकर के अब यहाँ हमारे सामने आ रहे हैं और ऐसे आते जाएंगे। ये जो मुअत्तल की बात है, ये बात मैंने बताई थी कि कवायद को जो है समझना बहुत ही अहम है। तो यहाँ पर जो है वो एदा जो यहाँ पर है इसको यहाँ इन्होंने इसकी इसको अब इसकी असल शक्ल पर लिखा है, वो एदा यू अदो वादन, ये बिल्कुल अपने असल शक्ल पर, इसमें कोई तालीफ नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर जो वाव जो मजमूम है शुरू में अगर हम पढ़ना चाहें वो एदा को, अगर हम हमजा रख हमजा वाव की जगह पर अगर हम हमजा रख करके पढ़ना चाहें तो ये हमारे लिए जायज है, हम उसको पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि कायदा नंबर 5 में यही चीज बताई गई है, वाव मजमूम अगर शुरू में हो तो उसको हम हमजा से पढ़ सकते हैं, यानी कि जायज है, वाजिब नहीं है, इसीलिए इन्होंने क्या है हमजा को नहीं रखा है, मानी वाव की जगह पर हमजा को नहीं लिखा। वो एदा यू अदो वादन वईदतन फहुआ मौऊदुन, एदतन इसमें भी वही चीज कही जाएगी जो पहले वाले मसल में कही गई थी, तो वही सेम है। उसके बाद फहुआ मौऊदुन, मौऊदुन ये भी क्या है अपने असल पर है, क्योंकि इसमें मफूल है, वाहिद मुज़क्कर का सेगा है, जैसे मफऊलुन मफऊला मफऊलून मफूलतुन मफूलतान मफऊलातुन, जो मफूल इस मफूल की गर्दान है। तो यहाँ पर क्या है मौऊदुन मफऊलुन के वजन पर है, बिल्कुल अपने असल पर है, यानी कि वाह मौजूद है, कोई इसमें तब नहीं हुआ है। अल अम्रु मिन्हु इज, यानी कि वादा से जो अगर हम अम्र हाजिर का सेगा बनाएंगे, वाहिद मुज़क्कर हाजिर का एक ही सेगा यहाँ पर रखते हैं सरसदगीर गर्दान में, तो वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सेगा क्या बनेगा इज बनेगा इज, और अम्र बनाने का कायदा तो पता ही होगा,
क्योंकि जैसे ये जो यईदो है इसमें हमने समझा था कि इसकी असल क्या है, तो यईदो से अगर हम अम्र हाजिर का जो वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा बनाएंगे तो फेल मुजारे के वाहिद मुजक्कर हाजिर के सीगे से बनाना होगा। तो ईद को हम कैसे बनाएंगे, तईदो से बनेगा, वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा तईदो से बनेगा। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले अलामत मुजारे को गिराएंगे, तो जैसे यहाँ पर अगर तईदो है तो ता को गिरा दिया, उसके बाद देखेंगे कि अलामत मुजारे के बाद जो हर्फ है वो क्या है, मुतहर्रिक है या साकिन है, दो चीज, अगर मुतहर्रिक है तो कुछ नहीं करना है, अगर साकिन है तो उसमें डिटेल है जो पीछे गुजरा है अम्र हाजिर बनाने का कादा। तो यहाँ पर हम देखते हैं तईदो, जब हमने ता को यहाँ से गिराया तो देखते हैं आयन उसके बाद मुतहर्रिक है तो कुछ करना ही नहीं है, बस डायरेक्ट क्या है आखिरी हर्फ को साकिन कर देना है। अगर क्या है आखिरी हर्फ हर्फ सही है, और अगर आखिरी हर्फ हर्फ सही नहीं है मौतल है तो वो मौतल क्या है हर्फ इल्लत गिर जाएगा। अगर क्या है नून है आखिर में तो नून रावी क्या है गिर जाएगा। तो ऐसे ही जो है, तो यहाँ पर क्या है तईदो, तो आखिर में ऐसे ही हुआ कि अलामत मुजारे को गिराया और उसके बाद वाला हर्फ क्या है मुतहर्रिक है, इसलिए आखिर में क्या है साकिन कर दिया, तो तईदो से ईद बन गया। तईदो, शुरू में ता को गिरा दिया, आखिर में दाल को साकिन कर दिया तो ईद हो गया। तो इस तरह से जो है बातें चलेंगी, यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीजें हैं। यहाँ पर जो है सिर्फ गर्दाने हैं और इन गर्दानों के अंदर वही जो 26 कवायद हमने पढ़े हैं, वही 26 से 26 कवायद क्या है उन्हीं का यहाँ पर क्या है एक तरह से तकबीक है या एक तरह से ट्रेनिंग है या प्रैक्टिस है। तो सबसे पहले ये बात मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ कि 26 कवायद को समझना नहायत ही जरूरी है, उसको 26 कवायद को पढ़ लेना समझे कि किताब का एक बहुत हिस्सा हमने क्या है पढ़ लिया। तो यहाँ पर जो है यही चीज जैसे मैंने अभी बताया, तो इसे समझ में आ गया होगा कि कैसे बात आगे बढ़ेगी। तो इसी तरह से क्या है चीजें चलती रहेंगी, सारी की सारी गर्दाने हैं और ऐसे सारी की सारी गर्दाने यहाँ पर आगे आएंगी, और सारी गर्दानों में क्या है हम उन 26 कवायदों में से किसी न किसी कायदे के एतबार से क्या है तालीम करेंगे। फिर